हेलो फ्रेंड्स, BIRecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को आलू पत्ता गोभी मटर टमाटर गाजर की एक बेहतरीन सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, मैं इस सब्जी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने एक कटोरी मटर लिया है हरी, और एक कटोरी हमने गाजर लिया है, दो बड़ी चम्मच धनिया पत्ता है, टमाटर है दो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, प्याज है दो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च है, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है, ये दो मीडियम साइज का आलू है, इसको हमने धोकर के कट कर लिया है, और ये पत्ता गोभी है ये। और मसाले में हमने लिया है, यहाँ गरम मसाला है एक छोटी चम्मच है धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच है हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच है जीरा और काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसीलिए हमने यहाँ मिर्च एक ही रखा है, आपको जितना तीखा पसंद हो उतना डाल सकती हैं। ये जीरा है तड़का के लिए। और अब यहाँ सरसों तेल लिए हैं। अब हम गैस पर गर्म होने के लिए कढ़ाई रख दिए हैं। तो कढ़ाई में कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें दो बड़ी चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप जीरा डाल दीजिए, जीरा थोड़ा चटकने लगा है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें आलू डाल के फ्राई करेंगे। अगर आलू फ्राई करना हो तो ज़्यादा प्याज को मत भूनिए, नहीं तो आलू भूनते समय प्याज जल जाता है। तो आलू को साथ ही में डाल के दोनों को फ्राई कीजिए। अभी हमें आलू को अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे मटर और गाजर, इन दो चीज़ों को डाल के हमें थोड़ा इसे भी फ्राई कर लेना है। थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें आप सभी सूखे मसाले को ऐड कर दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और यह है गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इसको मिलाइए और इसमें आप नमक भी मिला दीजिए ताकि मसाला अच्छे से फ्राई होते रहे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए। सभी मसाले को हमें थोड़ी देर फ्राई करना है। मसाला थोड़ा फ्राई हो जाए तो आप इसमें टमाटर डाल दीजिए, ये भी सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। और साथ ही में डाल दीजिए पत्ता गोभी, अच्छे से ऊपर नीचे चला लीजिए। इसको बढ़िया से मिला के और इसको कवर कर दीजिए लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पत्ता गोभी गल जाए। अब देखिए ये
गल चुका है, इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। पत्ता गोभी की भी गलने लगा है, ऊपर से आप धनिया मिला लीजिए बारीक कटा हुआ। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। सब्जी आपका बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी पसंद हो तो डालिए, वरना इसमें पानी की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पत्ता गोभी ऑलरेडी पानी छोड़ता है। सूखी चाहिए, नहीं तो ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, हमारा पत्ता गोभी का सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ या दाल चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देख करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी बिहारी रेसिपी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।